कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 12 अध्याय 12 कठिन समाकलन इंटीग्रेशन 1 बाय साइन 4x प्लस साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस 4x dx का मान ज्ञात करो। इसके लिए हम इसे लिख रहे हैं इंटीग्रेशन 1 बाय क्या साइन की घात 4x धन साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस की घात क्या 4x। अब इसके अंश व हर में कहाँ का अंश व हर में कॉस की घात 4x का हम भाग दे देंगे। ऐसा करने से जो कंडीशन अंश में मिलेगी और हर में मिलेगी वो क्या मिलती है देखिए इंटीग्रेशन कॉस की घात 4x मतलब सेक की घात 4x भाग दे रहे ठीक है dx कॉस की घात 4x का भाग देंगे साइन की घात 4x में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टेन की घात 4x में प्लस कास की घात 4 से कास की घात 2 कट जाएगी लेकिन कास की घात 2 बटे में बचेगी तो ये बन जाएगा क्या टेन स्क्वायर एक्स ये प्लस 1। इसी को अगर लिखना चाहे तो हम आगे कुछ ऐसा लिख सकते क्या सेक की घात 4x है इसको हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते इसको हम लिख सकते सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx बटे वाला पद 10 की घात कितनी 4x धन 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब मान लो हम क्या 10 स्क्वायर एक्स 10x को लिख रहे हैं माना कि क्या 10x को हम t में कन्वर्ट कर रहे तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबरी से dt। इसके डिफ्रेंसिएशन से जो वैल्यू मिलेगी उसको जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स किसमें जो एक sec स्क्वायर एक्स है इसको तो हम 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे एक sec स्क्वायर एक्स dx को वैसा ही रहने देंगे तो ये कंडीशन 10 की घात 4x 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। इसको जब t के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कंडीशन आएगी 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बाय टी की घात 4 टी की घात 2 धन 1 के अंश व हर में टी स्क्वायर का क्या कर देंगे भाग देने पर इसके अनुसार में टी स्क्वायर का जैसे ही भाग देंगे तो ये हमको मिलेगा इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिए ये 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा हम आगे पीछे इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर बटे की वैल्यू ये होगा टी स्क्वायर प्लस प्लस 1 मिलेगा 1 को बाद में 1 बाय टी स्क्वायर को पहले प्लस 1 डी टी इसको क्योंकि अंश में 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर है तो इसको टी माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो ऐसा लिखने से 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर बाय क्या टी माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर जब लिखेंगे तो माइनस 2 आएगी वैल्यू। अब माइनस 2 कम होगी इसलिए इसको प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 ये हो जाएगी 3। माइनस 2 का यहाँ कोई प्रभाव न पड़े इसलिए इसको प्लस 3 में हमने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। आगे इसको u में हम कन्वर्ट कर देंगे हम क्या कर रहे हैं मान ले रहे हैं माना क्या माना t माइनस 1 बाय टी को हमने u में कन्वर्ट कर दिया तो इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt ये किस में du में कन्वर्ट हो जाएगा
तो ये ही वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी यू बाय क्या बन गया, यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री स्क्वायर। जब हम इसका क्या करते, इंटीग्रेशन करते, तो ये आएगी वन बाय रूट थ्री क्या, टेन इनवर्स यू बाय अंडर रूट थ्री प्लस सी। अब u को उसकी वास्तविक वैल्यू में लिख देंगे, तो u हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, वन बाय रूट थ्री टेन इनवर्स u जो है, u को हम क्या लिख सकते, u को हम लिख सकते टी स्क्वेयर माइनस वन बाय रूट थ्री इंटू टी प्लस सी। अब t की वैल्यू को लिख देंगे, तो t की वैल्यू हमारे पास है वन बाय रूट थ्री टेन इनवर्स, टी मीन्स टेन एक्स, क्या होगा टेन स्क्वेयर एक्स माइनस वन रूट थ्री टेन एक्स प्लस सी। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष का धन्यवाद।